चलिए इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आज प्रदेश को बड़ी सौगात दी जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1038 करोड़ रुपए के 47 प्रोजेक्ट्स का जो शिलान्यास है वो मुख्यमंत्री यहां करेंगे। 294 करोड़ रुपए के 21 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और इसके अलावा 1332 करोड़ के 68 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास। ये कार्यक्रम जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से, और वहीं जो खास मेहमान मौजूद इस मौके पर यूडीट मंत्री शांति धारीवाल, और वहीं मुख्यमंत्री आवास पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद, मुख्य सचेतक महेश जोशी भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट और कई जो सौगातें हैं वो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें दी जाएंगी। अपने अस्थि विसर्जन के लिए मोक्ष कलश, उसको नाम दिया गया मोक्ष कलश बस सेवा, तो मोक्ष के लिए हरिद्वार जाते हैं, वापस वो बस उनको लेकर आती है। ये बड़ा फैसला उसी तरह से गहलोत साहब ने लिया जैसे पिछले शासन काल में इन्होंने 2008 से 13 में बड़ा डिसीजन लिया था धार्मिक यात्राओं का। वो धार्मिक यात्राएं आज भी चल रही है। हरिद्वार के लिए लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि अलाउड नहीं किया जा रहा था, या फ्री ऑफ कॉस्ट वो बसें अब लगातार जारी है रोडवेज की। कोरोना संकट में बड़े फैसले लिए गए वो तो अलग है, चाहे 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट सहायता दी गई, पहले 2500 रुपए की, फिर सहायता दी गई 30,000 लोगों को, फिर पैसे की डायरेक्ट उपलब्ध करवाए गए, वो अलग स्थिति है। लेकिन कोरोना संकट के अलावा जो वादे थे वो भी 52% पूरे कर दिए। मैं आज ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और भरोसा है मुझे कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या कुछ सौगात आज प्रदेश को मिलने वाली है? देखिए, जयपुर, अजमेर और उदयपुर, इन तीन संभागों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 68 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 1300 करोड़ से अधिक की राशि जिनका बजट है और जिनका लोकार्पण शिलान्यास होना है। एकदम यूं कहें तो आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण कदम। ये एक तरीके से सरकार की बजट घोषणाओं का भी हिस्सा है। यूडीएस डिपार्टमेंट ने जो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अलग अलग जनप्रतिनिधियों की जो मांगे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए जो प्लानिंग की गई है वो प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। तो एक तरीके से तीनों संभागों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। हम देख रहे थे कि कैसे शांति धारीवाल ने जब शुरुआत में ही सूत की माला से सीएम का वेलकम किया, तो शांति धारीवाल यूडीएच मिनिस्टर के तौर पर भी समझ रहे हैं इन प्रोजेक्ट की अहमियत क्या है और जो वादे अशोक गहलोत ने बजट में किए वो पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अलग अलग जिलों की जो समस्याएं थी, अलग अलग संभागों की जो समस्याएं थी, जो जनता के बीच जब वोट मांगने आप गए तो जो कमिटमेंट किया था उनको पूरा करने की दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन। और ये कार्यक्रम एक तरीके से इसका अभी हम सीधा प्रसारण देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। इसमें परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को भी हमने सुना, उद्योग मंत्री भी इसमें है, यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल हैं, विभाग के अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं और बड़ी संख्या में लोग भी हमारे जी राजस्थान के माध्यम से लोग इसको देख रहे हैं। तो आज का दिन इन तीनों संभागों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सुशांत, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमूमन इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका लोकार्पण पूर्व में भी होता रहा है, लेकिन कोरोना काल में वो जो विकास की रफ्तार है वो धीमी ना हो उस पर पूरी तरीके से फोकस किया गया, उस लिहाज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जाएगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक तरफ तो लोगों के जीवन को बचाना है, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, लेकिन दूसरी बड़ी प्राथमिकता जो विकास की रफ्तार है प्रदेश में, हालांकि जो राज्यों को मिलने वाली जो राशि है केंद्र से वो उतनी बेहतर नहीं है, ये बात सीएम लगातार कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सीएम लगातार प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने की दिशा में हर संभव कदम उठा रहे हैं। यानी रुकावटें कितनी भी हो विकास की रफ्तार ना थमें, इसकी कोशिश इस वक्त वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी की वानगी है जब 1332 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण आज मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते हैं।